हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिल्ली हाइट मॉम प्री। तो आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ इंडिया किड्स फैशन वीक 2022 यानी कि सीज़न 9 में। तो यहाँ पर हम आए हैं एनएसपी, दिल्ली के अंदर एनएसपी सभी को पता होगा, उसमें पैसिफिक मॉल है। तो वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली का आई थिंक यहीं जो भी सिलेक्शन था, ऑडिशन था, वो यहीं पर हो रहा था। तो ये मेरी जेठानी का बेटा है सिमरजीत, जिसने पार्टिसिपेट किया है, तो इन्हीं के ऑडिशन के लिए हम यहाँ पे आए हैं। इवन मेरी छोटी जो डॉटर है 1 ईयर ओल्ड, उसका भी इसमें सिलेक्शन हो गया है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं फॉर्म फिल करने, मैनुअल फॉर्म फिल करना होगा। हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था, स्टिल यू नीड टू फिल द फॉर्म। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ना एक लाइव म्यूज़िक चल रहा था, पहले मज़ा आ गया हमें म्यूज़िक सुन के। तो इसके बाद फॉर्म फिल हो रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो सभी बच्चों को फॉर्म फिल करना था यहाँ पे, क्योंकि उनको पार्टिसिपेट करने का जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो हाथ के हाथ यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, तो ये पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी बच्चे हैं उन सब ने फॉर्म फिल किया था, और यहाँ पे उनका ना बॉडी मेजरमेंट भी ले रहे थे हाथ के हाथ इंची टेप के साथ, ताकि जब शूट होता है या शो होता है, फैशन शो होता है, तब जो डिज़ाइनर ड्रेसेस होते हैं ना उनमें कोई दिक्कत ना आए इसलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडिशन स्टार्ट हो गया है, एक प्यारी सी गुड़िया का ऑडिशन चल रहा है यहाँ पे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पुटअप करती है जूरी बच्चों के जीके के। तो इसका जो प्रोसेस है ना, आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो, आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो इसमें, तो जो एज लिमिट है ना आई थिंक किड्स की, वो बिल्कुल छोटे से लेकर वन ईयर ओल्ड से लेकर के 15-16 ईयर ओल्ड तक के बच्चों की है। इसके अलावा अगर सिटीज़ की बात करूँ तो दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर एंड मुंबई, तो इन सारी सिटीज़ के अंदर इनका ये जो शो है, ये फैशन शो है, ये होता है ऑर्गेनाइज। तो अगर आप इनमें से किसी भी सिटी में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्रोसेस टू अप्लाई इज़ वेरी सिंपल। इनका जो फेसबुक पे ना काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट भी आता है, मैं यहाँ पे डिटेल भी दे दूँगी, इनका लिंक दे दूँगी, आप उस लिंक पर जाएँगे, आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप अपनी सिटी सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप अपनी क्वांटिटी चूज़ करेंगे, आप एक बच्चे का करवा रहे हैं, दो बच्चे का करवा रहे हैं। जैसे प्रोसीड करेंगे आपको पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करने होंगे, एंड देन आपको किड्स की भी पूरी डिटेल फिल करनी होती है, किड्स की जो भी पार्टिसिपेंट बच्चा है। इसके बाद आप जैसे टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करते हैं तो आपके पास पेमेंट के लिए आ जाता है कि आप पेमेंट कर दीजिए। बहुत ही नॉमिनल, अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज़ का एक नॉमिनल था इस टाइम चार्ज इस ईयर, तो हमने वो पे किया था। इसके बाद आप इसका जो पार्टिसिपेशन स्लिप आपको मिलेगा ना, वो आपको ज़रूर कैरी करना है ड्यूरिंग जब आप ऑडिशन के लिए जाते हैं। आपको ऑडिशन आपका होने से पहले ही आपको वहाँ से कॉल आ जाता है, जो भी आपसे टच में रहती है टीम, और आपको बताते रहते हैं कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है, उसको ऑडिशन के लिए इस डेट पे आना है, इस टाइप के कपड़े पहनने हैं, इस टाइप का हेयर स्टाइल होना चाहिए। तो आपके पास कंप्लीट डिटेल पहले ही आ जाती है, इसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी। अब हमारे बेटे सिमरजीत सिंह का ऑडिशन है, तो आप इंजॉय कीजिए। नहीं जो म्यूज़िक चल रहा था ना, वो एक ही तरह का म्यूज़िक चल रहा था जिसपे बच्चों का डांस करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बच्चों को बॉलीवुड सॉन्ग्स पे डांस करने की हैबिट है ना। यहाँ पे एक नॉर्मल म्यूज़िक चल रहा था। यस, तो ये भी सिमरजीत का फ्रेंड ही है प्रिंस, उसी का क्लासमेट है, उसका भी एक ऑडिशन हुआ है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा था, म्यूज़िक ना वो बहुत ज़्यादा अलग सा चलाया हुआ था उन्होंने, बिकॉज़ इनको शायद परमिशन नहीं मिली थी बॉलीवुड म्यूज़िक की, तो इस वजह से वो जो म्यूज़िक था उस पर बच्चे डांस नहीं कर पा रहे थे। बट दिस प्रिंस हैज़ सेलेक्टेड रैंप वॉक, बहुत अच्छे से किया उसने। एंड यहाँ पे यही चीज़ें चेक की जाती हैं कि हाउ योर किड इज़ लुकिंग,
क्या आई कॉन्टैक्ट है उनका जूरी के साथ, क्या कॉन्फिडेंस है. इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, इफ़ यू डोंट नो द आंसर जो भी जूरी पूछ रही है, आप डायरेक्टली बोल दो आई डोंट नो. दैट्स व्हाट द प्रिंस हैज़ डन एंड ही गॉट द कॉम्प्लीमेंट्स ऑल्सो. नाउ द लिटिल प्रिंसेस केम टू से गुड बाय ऑन माई बिहाफ. बाय. थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट.